कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज पंजाब के चुनावी दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी यहां फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर में जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर अमृत सिंह के समर्थन में खन्ना के दहेड़ू गाँव में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल होशियारपुर में भी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए रैली करेंगे। बता दें कि पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीट है और पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर यानी गुरदासपुर, अमृतसर, खदुर साहिब, जालंधर, होशियारपुर, आनंदपुर और लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर, भटिंडा, संगरूर और साथ ही पटियाला में अंतिम सातवें चरण यानी कि 19 मई को मतदान होगा। गौरतलब है कि मार्च 2017 से राज्य में कांग्रेस की सत्ता रही है। राहुल गांधी आज फतेहगढ़ साहिब में जनसभा को संबोधित करेंगे तो वहीं दूसरी होशियारपुर में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। राहुल गांधी आज पंजाब में चुनावी रैलियों के साथ साथ जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। पहली जनसभा जहां फतेहगढ़ साहिब में होगी तो वहीं दूसरी होशियारपुर में होगी। राहुल गांधी यहां कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अमर सिंह के समर्थन में जनता से वोट की अपील करते नजर आएंगे। सातवें चरण में पंजाब में 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होने हैं और इसी के तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे।